वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। शिवराज झा से विधायक है, वहां से एक अनोखी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि सीहोर में बकरी चराने वाली महिला अब गांव की सरकार चलाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी की ससली ग्राम पंचायत से सुलोचना बड़खने को निर्विरोध सरपंच चुना गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बहुत सी जगहों पर निर्विरोध सरपंच चुने जा रहे हैं। सभी 10 पंच पदों पर भी महिलाएं निर्विरोध चुनी गई है। ससली को इसी साल पहली बार ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है। सीट को इसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ससली ग्राम पंचायत में नारायणपुरा और झकलाए गांव शामिल हैं। दोनों गांव के ग्रामीणों ने साथ बैठकर चर्चा की और पूरी पंचायत निर्विरोध चुन ली। निर्विरोध सरपंच सुलोचना बड़खने का कहना है कि वह गरीबों और मजबूरों के लिए काम करेगी। गांव के लोगों के लिए आवास, टॉयलेट और उन्हें मनरेगा का काम मिले, इसके लिए मेहनत करेंगी। गाँव के विकास के लिए वो भी निरंतर प्रयास करेंगी। और भी कुछ काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपकी क्या क्या कार्य योजना है, जिस प्रकार अभी गांव में जो काम नहीं हुआ उनको करने के संबंध में? अभी काम तो बहुत दिख रहा है, रोड बनवाना है और उधर पीछे गली है उसको भी सही करवाना है, और खुटी आएगी खुटी भी दिलवाएंगे। जिस प्रकार गांव में इतना बड़ा गांव है, शौचालय सबको यहाँ पर्याप्त मिल गया कि उनके लिए कुछ? आप अभी कहाँ मिला, अभी नहीं मिला। जिनको नहीं मिले उनको दिलवाएंगे? सुलोचना बड़खाने का कहना है कि बकरियां चराना उनके परिवार का पुश्तैनी काम है। उनके पास 40 बकरियां हैं। पहले उनके ससुर बकरियां चराते थे, 2 साल पहले उनका निधन हो गया। इसके बाद सेवा पति राम भरोसे बरखने के साथ मिलकर गांव के पास वाले जंगल में बकरी चराती है। वहीं ससली गांव पूरे प्रदेश का एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरी तरह से धुआं मुक्त है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांव को धुआं मुक्त होने पर विशेष पुरस्कार भी दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनाथ सिंह भाटी भी इसी गांव के निवासी है। इसके साथ सीएम के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के तहत ही ये पंचायत आती है। इसी सबके प्रयासों से पंचायत को समरस पंचायत का तमगा मिला है। वहीं भाजपा नेता भाटी का कहना है कि गांव में रहने वाले सीएसटी के 40 से अधिक परिवार बकरी पालन ही करते हैं। यहां के अधिकतर लोग मजदूर वर्ग से हैं, इनके पास कृषि भूमि नहीं है। सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हें मिलता है। रिपोर्ट वीके न्यूज।